यो 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 भाई लोग, कैसे हैं आप सब लोग? और आप सभी लोग देख रहे हैं आपका अपना आरिश खान। तो कैसे हैं भाई आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज है वैलेंटाइन डे, और ये ब्लॉग जो है आपको 15 तारीख को देखने के लिए मिलेगा, बट वैलेंटाइन डे का दिन आज है और आज हमने बहुत मजे किए थे, आज आप देख लेना। तो नताशा जी को आयरन मैन की मूवीज़ देखने का बहुत ज़्यादा शौक है, और यहाँ पर टोनी स्टार्क भी अपना हाउस जो है बेचने की सोच रहा था, तो मैंने कहा क्यों ना टोनी भाई का हाउस खरीद लिया जाए। और ये कोई पहले फेक वाले हाउस हमने बहुत खरीदे हैं, वो मैंने बनवाए थे। ओरिजिनल जो टोनी भाई का हाउस है, आज मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ कि वो कैसा है। और मैं वैलेंटाइन डे के लिए बहुत ही स्पेशल तैयार हुआ हूँ। अपनी नताशा जी भी बहुत स्पेशल तैयार हुई हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं, क्यूट लग रही हैं। तो चलिए चलते हैं, आइए। बेसिकली मैं तो रेडी हो चुका हूँ, कलवर इज रेडी, फुल टू रेडी, और हम जाने वाले हैं ऑडी RS7 में वहाँ तक, क्योंकि उनका घर जो शहर से थोड़ा दूर है, क्योंकि ये जो घर है आउटर में उन्होंने बना रखा है, क्योंकि शहर में इतनी ज़्यादा ज़मीन तो मिलती नहीं है क्यों यहाँ पर बना पाए घर को, समझ रहे हैं ना आप। तो हम जाने वाले हैं ऑडी के अंदर, ब्लू कलर की RS7 में, काफ़ी अच्छी कार है। चलिए फिर नताशा जी आ जाओ। अरे कोई गाड़ी गुड़ी तो नहीं आ रही? चलो कुछ नहीं आ रहा, चलो बैठो आओ। अरे इसमें नहीं, सॉरी, इसमें बैठो, ऑडी में चलेंगे। चलें फिर तो। नताशा जी इज फुल टू रेडी, नताशा जी गोइंग फॉर अ राइड। चलो तो ऑडी में जा रहे हैं, और बेसिकली हमें जाना है यहाँ पर जाना है, तो हम भी शहर में को होकर निकलेंगे। आई डोंट नो, ऑडी बहुत ज़्यादा तेज़ चलती है या फिर हमारी ही इतनी तेज़ चल रही है। वैसे बेसिकली ऑडी तेज़ चलती है दोस्तों, ये तो आपको मानना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फास्ट कार है ऑडी। एक्सक्यूज मी सर, चलो। हाँ, इन गलियों से होकर तो निकलना ही पड़ेगा ना हमें। चलो हमें ऊपर रॉकफोर्ड हिल्स की तरफ जाना होगा ऊपर। ये बेसिकली पहाड़ों के ऊपर घर बने हुए हैं दोस्तों। मजा आ रहा है गाड़ी चलाने में, बहुत अच्छी लग रही है। अरे आराम से, आज वैलेंटाइन डे का डे है, तो मैंने कहा नताशा जी को गिफ्ट दिया जाए, और ये साल का बहुत ही बेहतरीन गिफ्ट होने वाला है नताशा जी के लिए, जो घर है वहां पर। मैं बता दूं टोनी स्टार के सूट्स भी अवेलेबल हैं। कहा तो जा रहा है, अब जाकर ही पता चलेगा। हाँ नताशा जी कह रही है इन रोड पर बहुत ही ज़्यादा वो रहती है भीड़। हाँ तो देखो रहती है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा। ओह माय गॉड, चलो यहाँ से राइट। यहाँ से लेफ्ट, बहुत सुंदर चल रही है गाड़ी। कार के अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, हालांकि मैंने इसको माउंट चिलियार्ड पर चढ़ा दिया था, बट स्टिल ओके चल रही है बहुत। ABS दे रखे है ना गाड़ी के अंदर, जिस कार में आपको ABS मिल जाएंगे उस गाड़ी की परफॉर्मेंस ही नेक्स्ट लेवल होती है, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें, जो ABS वाली कार होती है उसकी हमेशा आपको परफॉर्मेंस जो है नेक्स्ट लेवल मिलने वाली है, इसलिए ज़्यादा मज़ा आता है या ABS वाली कार को यूज करने में। वो रहा घर, ये है एंट्रेंस टोनी स्टार्क इंडस्ट्री के हाउस की। अभी कुछ दिनों से यहाँ का को देख रेख की नहीं जा रही है ना, इसीलिए
घास वगैरह उग गई हैं, बट कोई बात नहीं, वो तो जब रहने लग जाएंगे तो हो जाएगी ठीक। टोनी स्टार्क तो है नहीं यहाँ पर। यह है रियल टोनी स्टार्क का हाउस, समझ गए। और अगर कार पार्किंग में लगानी है तो पार्किंग के लिए भी नीचे है जगह, बट अभी पार्किंग में क्या गाड़ी लगानी, अभी तो सिर्फ देखने ही आया ना, क्यों किसी घर में पार्किंग में गाड़ी लगानी है ना दोस्तों। वैलेंटाइन डे का दिन है तो गाड़ी हम जो है बाहर ही खड़ी कर देते हैं कहीं पर। अरे नताशा जी, तो वहाँ पर जो है हेलीपैड है, और अगर लेट मी शो यू माई ड्रोन, तो ड्रोन से अगर उड़ा के दिखाएं तो ये रहा घर। देख रहे हो कैसा लग रहा है, भयंकर लग रहा है ना भैया, एकदम जबरदस्त लग रही है यार, एकदम भयंकर लग रहा है। ड्रोन से काफ़ी अच्छे शॉट्स आते हैं बेसिकली, पीछे समुंदर ही समुंदर, एंड में घर ही घर। मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। फिलहाल आप बताइएगा, वही बाहर वो जो डायनासोर वगैरह की जो मूर्ति होती है वही है जो मूवीज़ के अंदर दिखाई जाती है। हम मूवीज़ में कुछ ज़्यादा रियलिस्टिक लगता है, रियल में तो कुछ ऐसा ही है, आपको पता ही होगा सेट्स वगैरह कैसे होते हैं। नताशा जी भारी खड़ी है अभी। स्टार्क इंडस्ट्रीज, चेंजिंग द वर्ल्ड फॉर अ बेटर फ्यूचर, क्या बात है। एंट्रेंस काफ़ी अच्छी है, सामान वगैरह वही टोनी स्टार्क का रखा है, वही है सेम टू सेम। जब सामने बैठे रहते हैं यहाँ पर पानी का फव्वारा चलता रहता है, वो वही पानी का वो इधर भी चल रहा है, काफ़ी सुंदर लग रहा है मेरे को तो। फिर अगर सीधा हम यहाँ से इधर चले जाएँ तो ये एक आई थिंक सो सोफा रूम है। यहाँ पर कर्टन्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, ये जो कर्टन्स लगे हुए दीवार के ऊपर, वेरी नाइस। और ये टीवी कुछ ज़्यादा ही बड़ा नहीं है, ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा लग रहा है मेरे को तो टीवी भैया। और ये सोफा, लाइट्स वगैरह घर के अंदर बहुत अच्छी लगी हुई है। और ये अपनी आयरन मैन की पेंटिंग लगी हुई, बहुत ही बड़ी सी, बहुत बड़ी पेंटिंग लगी हुई यार दोस्तों, बहुत ज़्यादा बड़ी। अब घर के अंदर अगर आयरन मैन की फोटो ना लगी हो फिर तो घर ही घर क्या है। हाँ ये बेसिकली उनका जिम है, जिस जिम में लड़ते हैं वो, वही फाइटिंग रूम है। यहाँ पर वही फाइट वगैरह होती थी। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, कलवा मजे ले रहा है। ओए अरे इतना क्यों लड़ रहे हो, आराम से। प्रैक्टिस कर रहे हो, करो। तो ये जिम है बेसिकली पूरा, और ये स्टीम रूम है, यहाँ पे स्टीम ली जाती है अंदर। दिस इज़ प्रिटी गुड, स्टीम रूम इज़ अ गुड है, अच्छा है। और ये बालकनी है बाहर की, तो अगर यहाँ से हम बाहर जाए तो एक स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल से हम अंदर बाहर तो नहीं हो जाएंगे। हाँ नहीं, वो अलग ही टाइप का है कुछ, डर लग रहा है। चलो नहीं, इधर पहाड़ है तो ज़्यादा एकदम गिरने का खतरा तो देखो नहीं है कि तुम एकदम गिर जाओगे। ओह माय गॉड, प्लेन कितना नीचे से जा रहा था यार। और ये बाहर का रास्ता फिर से, अच्छा तो ये क्या चीज़ है। ओके तो ये बेडरूम है, और ये है, वैसे ही यहाँ पर बैठ सकते हो, लगा तो यहाँ पर कांच हुआ है, एक ही मुक्के में तोड़ दूंगा, बट तोड़ना क्यों। ऊपर ये बहुत ही अच्छी सी सनलाइटिंग की वो है, नेचुरल वो लेने के लिए। हाँ दिन में अगर तुम्हारा बैठने का मन है तो तुम बैठ सकते हो ठीक है। और इधर क्या है, इधर वही रूम का वो है, ये देख रहे हो टीवी लगा हुआ है जिसमें वॉलपेपर लगा हुआ है, पूरा ब्लैक फर्नीचर के साथ, वही जो आयरन मैन का रूम होता है। और फिर वो जो रिपोर्टर के साथ यहाँ पर आता है, फिर वो कर्टन्स यहाँ से ऐसे खोल देती हैं, सेम वही है दोस्तों, सेम वही। आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना अगर आपको वे नहीं लग रहा है तो, कोई और से लग रहा है तो ठीक है। यही उनके सब कुछ ब्लैक परफ्यूम्स वगैरह रखे हैं, एज यू कैन सी, जैसे कि मूवी में दिखाया गया वही आपको सब कुछ यहाँ मिलेगा। हाल फिलहाल मेरे को तो देखो बहुत अच्छा लगा, अगर नताशा जी को मैं घर गिफ्ट कर दूँ तो बहुत ही ज़्यादा खुशी से झूम उठेंगी। और ये पेंटिंग आयरन मैन की यहाँ पर लगी हुई देख रहे हो, कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है यार। ये पेंटिंग के अंदर चार चांद लग गए हैं, और ये आयरन मैन, सुपर हीरो,
वगैरह वगैरह जो भी बना रखा है। सही है, आई थिंक ये ऊपर वाला रूम है। और इसके अंदर क्या है? इसके अंदर ये स्टडी केबल है, वो आयरन मैन की मूवी के अंदर जो उनकी हीरोइन है, आई थिंक ये वो हैं। ठीक है, आई थिंक नहीं, ये वही हैं। और ये छोटा सा स्टडी टेबल, छोटा सोफ़ा बैठने के लिए, सामान वगैरह जो भी रख रखा है। और ये है इंटरनेट, ठीक है, ये सारे इनके जितने भी डेटाबेस के इंटरनेट्स वगैरह हैं, जो भी सब कुछ है यहीं पर स्टोर होता है। बेसिकली हार्ड डिस्क वगैरह है जिनके अंदर सारी चीज़ें स्टोर की जाती है। ठीक है, ये जीना है जिसके बराबर से पानी चल रहा है, काफ़ी सुंदर लग रहा है पानी चलता हुआ, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है पानी चलता हुआ। नताशा जी अभी तक बाहर। और ये वही पियानो रूम, पियानो रूम के साथ साथ यहाँ पर छोटा सा बार, और बहुत ही सुंदर। और यहाँ से हम बाहर भी निकल सकते हैं। लेट मी शो यू द, ओ माय गॉड, बड़े भयंकर लग रहा है दोस्तों, एकदम गजब लग रहा है ना। और ये है एक हेलीपैड जहाँ पर हेलीकॉप्टर खड़ा होता है एकदम, मगर दूर दूर से यहाँ तो बाहर गाड़ियाँ वगैरह चल रही हैं। ओ माय गॉड, छाँव में एकदम अजीब सा लग रहा है ना, तो एकदम मस्त है। तो दोस्तों इसका सेकंड पार्ट भी आने वाला है जिसके अंदर मैं नीचे का आपको सब कुछ दिखाने वाला हूँ। कौन कौन वो देखना चाहते हैं एक बार कमेंट करके जरूर से बताना। हम तो अपना वैलेंटाइन डे ऐसे मना रहे हैं, आप कैसे मना रहे हैं एक बार कमेंट करके जरूर से बताइए। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट और ब्रांड न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।